अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शमा के किचन में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, आज हम आपको सिंपल साबूदाना वड़े की रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। हम लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे बड़ा शड़ा तो चलता नहीं है, पकौड़े तो हमने वहाँ पे प्याज की पकौड़ियाँ खाई, आलू की खाए, बैगन की खाई, ब्रेड पकौड़े खाए। कुवैत में आके इंडिया के बहुत से खानों से ताल्लुक़ हुआ, तो ये इससे भी हुआ। हमारी फ्रेंड है बॉम्बे से, किससे तो उनके यहाँ खाए, हमें बहुत अच्छे लगे, हमने ट्राई करे, बहुत अच्छे मेरे बने भी। खैर, तो हमने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं। ठीक है, आज हमारी एक प्यारी सी स्वीटी की बर्थडे भी है, स्वीटी की हैप्पी बर्थडे स्वीटी, बहुत सारी दुआएं। सुबह बात मैसेज हुआ था स्वीटी के साथ, तो बोला था क्या बनेगा, तो हमने सोचा चलो मीठा शीठा तो खाते रहते हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बनाएंगे स्पेशल। बट ये भी बहुत अच्छा है, ट्राई करो, तुम तो बॉम्बे में रहती हो, शायद तुमने खाया भी हो। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही गिफ्ट है, अभी तो ऐसे ही चलेगा, फिर जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह बना के भी खिलाएंगे और गिफ्ट के साथ भी। और जिनकी भी आज बर्थडे है उन सबके लिए बहुत सारी विशेज हैं, बहुत दुआएं हैं। ठीक है, ठीक है, हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं दुआओं के साथ। ये हमारे पास साबूदाना है 1.5 कप है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से वॉश करके और 12 बजे रात में इसको हमने भिगो दिया था। 1.5 कप लिया था तो हमने 2 कप पानी डाला था, मतलब पानी हमारा सिर्फ इतना था, पूरा नहीं था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमें चाहिए आलू बस एक ही चाहिए था बड़ा, इत्तेफाक से ये 2 बॉयल हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए, ये धनिया थोड़ी है, ये 1.5 है ग्रीन चिली हमने कट करके रखी हुई है। अगर आपके यहाँ स्पाइस ज़्यादा खाया जाता है मिर्चा, तो आप ज़्यादा डाल लें, 1.5 की जगह 2, 2.5, 3 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये हमारे पास कुछ पीनट्स थे, इनको हमने थोड़ा सा रोस्ट किया। ठीक है, इसके कवर निकाले, इसको हल्का सा ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा दरदरा सा। ठीक है, ये आलू यहाँ पे थोड़ा सा हमने मैश कर लिया हुआ है, यही आलू हम इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे अच्छे से पोटैटोज मैश हो गए, मैश अलग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ तो थोड़ा हल्के हाथों से साबूदाने के साथ आप मिलाइएगा, नहीं तो साबूदाना टूट जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 आलू मैश 1 आलू, ठीक है, हमने सॉरी 2 आलू बॉयल कर लिए थे, कोई बात नहीं, पड़ा है किसी और काम आ जाएगा। 1 बड़े साइज का आलू ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने पीनट्स को ग्राइंड करके इसमें डाल दिया हुआ है, आलू भी इसमें मिक्स कर दिया है, ग्रीन चिली है, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, 1 स्पून अभी हम डाल लें, अभी हम चेक कर लेंगे इसको। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ले लेंगे, ये देखिए इन सब, देखिए इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मेरे पास कुछ करी पत्ता है, अगर आपके पास है तो डाल दें, ऑप्शनल से, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात ही ना डालें। ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स करके हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हुई हैं। ठीक है, अच्छा सा मिक्स करके इनको जो है हल्का सा तेल लगाया हमने हाथों पे, और ये देखिए इनको जो भी शेप देना है हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसमें बड़े का शेप दे दिया है। आप भी ऐसे ही बना लें, हम सारे बना के फ्राई करते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, और ये देखिए हमारे सब बड़े भी बन गए, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तेल आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम आँच हो तो कुछ भी इसमें नहीं होगा, नहीं तो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि बड़े तेल में डालने से ये सारे खुल जाते हैं। ठीक है, देखिए इतने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कुछ भी नहीं खुल रहे हैं। मेरी इस टाइम मेरी जो फ्लेम है वो स्लो है, बहुत अच्छा सा ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, इसलिए हमने इसको स्लो कर दिया था। ठीक है, देखिए हमें चार डालें, थोड़ा सा इसको सेट होने में टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के बाद ही इसको पलटें, फ़ौरन ना पलटें, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए हमारे साबूदाना बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए गोल्डन कलर हो गया है इनका, बस इतने ही कलर रहने देंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा, ट्राई करेंगे इसको ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम सारे इसको फ्राई कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए साबूदाना बड़ा हमारे बन के तैयार हैं, रेडी हैं, ग्रीन चटनी है जो हमने आपको बनाई बताई हुई है पुदीना और धनिया की, किसी वक्त बना के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो सॉस, मीठी चटनी किसी के साथ भी खाएं, सबके साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। हमने ये ग्रीन चटनी बनाई है। ठीक है, और ये हमारे बड़े रहे देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये देखिए अंदर से देखिए ऊपर से कितने बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, आप इसको ट्राई करें इंशाल्लाह, बहुत अच्छे लगेंगे।
स्पेशली हमारे जितने भी देखने वाले नॉर्थ के हैं, यूपी के हैं, लखनऊ के हैं, वो ज़रूर ट्राई करें। प्याज के खा खा के दिल भर गया, आलू के खा खा के दिल भर गया, ठीक है। ये न्यू रेसिपी है, साबूदाने की भी हेल्दी होता है, अक्सर लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस वड़े के साथ बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों को भी अच्छी लगेगी, बड़ों को भी अच्छी लगेगी। और सुबह के नाश्ते में खाएं, टिफ़िन में दें, शाम के नाश्ते में खाएं, अफ्तारी के वक्त बनाएं, किसी भी टाइम बनाएं, बहुत टेस्टी डिलीशियस हैं, ठीक है। और देखिए, बनाएं, ट्राई करें इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। इंशाल्लाह शमा के किचन में फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।